Hello my warriors, welcome to your own YouTube channel Brahmo's Academy, where learning is fun and next best thing is yet to come. Today's video is going to be quite interesting, important and crucial as for your class 10th. आज का वीडियो जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि क्या है कोवेलेंट बॉन्ड, तो आज हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे. सो ये क्या कंटेंट करेगा उसको आइए हम लोग एक छोटा सा उसका रिकैप ले लें. सो कोवेलेंट बॉन्ड में आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीन पॉइंट्स एसोसिएटेड विथ योर कोवेलेंट बॉन्ड. फर्स्ट पॉइंट विद बी द डेफिनेशन. द सेकंड पॉइंट जो होगा वो होगा कंडीशन. आखिर क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं या कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो फेवर करती हैं कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए. और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ योर कोवेलेंट कंपाउंड. क्या क्या प्रॉपर्टीज पोजेस करेंगे आपके कोवेलेंट कंपाउंड. सो एक एक करके हम सारे चीजों को डिस्कस करते हैं इन द डिटेल एंड सिंप्लीफाइड मैनर में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड. तो प्रीवियस क्लास में हमने या प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द आयनिक बॉन्ड और उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके इस चैनल में उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं. सो अब स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. तो हमने जब आयनिक बॉन्ड को कवर किया था तो वहां पे हमने देखा था कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसी को हम आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. अब यहाँ पे जो ऐसे बॉन्ड जिनमें म्यूचुअल शेयरिंग होता है यानी कि दो एटम्स के बीच में शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वैसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. तो चलिए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं. तो क्या है वो कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय देयर म्यूचुअल शेयरिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन एंड मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज योर कोवेलेंट बॉन्ड. सो कोवेलेंट बॉन्ड को हम मॉलिकुलर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं. सो आई होप बच्चे आपको ये क्लियर होगा क्या हो गया म्यूचुअल शेयरिंग हो गया. इलेक्ट्रॉन्स के पेयर एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है. और इसी कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं मॉलिकुलर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है द कंपाउंड्स फॉर्म ड्यू टू दिस बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड. ऑब्वियसली अगर किसी कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या हो जाएगा कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा. नेक्स्ट इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं वो क्या कि बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन मेटालिक एलिमेंट. जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो दो नॉन मेटालिक एलिमेंट के बीच में होता है. तो आप इसको याद रख सकते हो और ध्यान दे सकते हो क्या कि वहाँ यहाँ पे नॉन मेटालिक एलिमेंट और वहाँ पे क्या था जनरली आपके क्या थे उसको ध्यान देना है, ठीक है. आयनिक वाले को याद रखना है. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे हम क्या कर सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो हम कोवेलेंट बॉन्ड को यहाँ पे तीन मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं. सो पहला कैटेगरी जो है वो बेस्ड है टाइप्स ऑफ बॉन्ड या नंबर ऑफ बॉन्ड कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड में इतने बॉन्ड होंगे तो हम उन्हें कौन सा बॉन्ड कहेंगे. सो पहला देखते हैं पहला जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. तो इसको हम लोग डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना ज़्यादा या कितना लो है या जीरो है उसके बेसिस पे हम कोवेलेंट कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा. अब जीरो कब हो सकता है वो तभी पॉसिबल है जब उनके जो भी दो सिमिलर एटम्स है जहाँ पे बॉन्ड की सॉरी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो सेम हो. तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा बच्चों यहाँ पे जीरो होगा. तो वैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स को या कोवेलेंट कंपाउंड को हम क्या कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं. नेक्स्ट अगर कोई ऐसा कंपाउंड है और उनके बीच के जो एटम है जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और उनके बीच में लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिफरेंस होगा तो वहाँ पे हम उन्हें क्या कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे. सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो जाएगा. और एक स्पेशल टाइप ऑफ आपका क्या होता है
एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम आने वाले फर्दर वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, बेस्ड ऑन देयर टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और एक स्पेशल टाइप जो हो गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो ये कहानी थी आपकी आज की, किसके बारे में, कोवेलेंट के एक ब्रीफ डिस्कशन को हमने देख लिया। ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का जैसा हमने आयनिक में डिस्कस किया था कि आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए उसके पास कुछ कंडीशन होने चाहिए, उन्हें देन आपका क्या होता है, आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड वहां पे फॉर्म होता है। इन द सिमिलर वे कोवेलेंट बॉन्ड के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। सो पहला कंडीशन क्या है कि बोथ एटम शुड बी नॉन मेटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो गया यहाँ पे, बोथ एटम शुड बी नॉन मेटल, पर यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम, ये भी क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उनको आपको ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मस्ट फॉर बोथ एटम, दोनों के बीच का जो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है, बोथ एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन इफिनिटी, और चौथा पॉइंट है आपका, द फोर्थ पॉइंट इज दे शुड पोजेस हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हमने अभी देखा कि नॉन मेटल से तो ऑब्वियसली वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपका हाई हो जाएगा। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट इज व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मस्ट बी जीरो और नेग्लिजिबल। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम क्या कह सकते हैं, जीरो कह सकते हो या जीरो होना चाहिए या फिर नेग्लिजिबल यानी बहुत ही कम होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप देखते हो, और वो एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन गैस दैट इज H2, Cl2, HCl, CCl4, H2O, CH4 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए, क्या हो गए आपके एग्जांपल्स हो गए कोवेलेंट कंपाउंड के। आगे हम आने वाले वीडियो में और भी एग्जांपल्स को देखेंगे और अच्छे से इस चीज को समझेंगे। सो आई होप बच्चे आपको कंडीशन भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया। एंड वन इम्पॉर्टेंट नोट आपके लिए ये है कि आपको इसको अपने कॉपी में भी नोट डाउन करते जाना है, ताकि आप इसको क्लियरली और अच्छे से समझ सको। ठीक है, चलते हैं, मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड लास्ट टॉपिक ऑफ द डे के ऊपर। सो आज के ये वीडियो का लास्ट टॉपिक आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वीक वन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर आंसर देना कि अगर कोवेलेंट कंपाउंड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक वन डर वॉल फोर्सेस है, तो आयनिक कंपाउंड में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, कमेंट करके मुझे नीचे आंसर जरूर बताना। ठीक है, तो यहाँ पे वीक वन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो जनरली किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो वो आपके लिक्विड या फिर गैस स्टेट में, या फिर आप कह सकते हैं सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो जनरली वो किस किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, या फिर सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में वो क्या किए जाते हैं, नेचर में प्रेजेंट होता है। इसका रीजन सीधा से सीधा ये है क्योंकि उनके बीच का जो इंट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही क्या होता है, वीक होता है। नेक्स्ट, इसी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके पास इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि लो BP एंड लो MP होता है इनका। ठीक है, तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है क्या, कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे कंटेन ओनली मॉलिक्यूल्स एंड नो आयंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आपके यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं या डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या पुअर कंडक्टर होते हैं। इसका मेजर और सीधा से सीधा रीजन ये है कि उनके जो भी वो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो आयंस में डिसोशिएट नहीं होते। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन और क्या है, एक्सेप्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब वो क्या है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। क्या है बच्चों, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कैसे याद कर सकते हो उसको, तो पोलर का मतलब क्या होता है, पोलैरिटी, और पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस। ठीक है, तो उससे आप याद कर सकते हो। तो जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है वो एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो क्या करते हैं, आयनाइज हो जाते हैं जब उनको पानी में या फिर उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो वो पानी के कॉन्टैक्ट में आते क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, वो रिस्पेक्टिव आयंस में क्या हो जाते हैं,
फ्रेगमेंट हो जाते हैं और इस वजह से वो क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जहां पे कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड कंडक्ट नहीं करते, वहां पे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो एक टाइप है आपके कोवेलेंट कंपाउंड का, वो क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि आपको मुझे ये बताना है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट फिर क्या होंगे, ठीक है, और उनका एग्जांपल क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल से कमेंट बॉक्स में जाके आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में आया कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड जो क्या करते हैं, पानी में डालते ही वो क्या करते हैं, आयनाइज हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करने लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो HCl, ठीक है। तो HCl है ये आपका, ये क्या होता है जनरली आपका, क्या है HCl जो होता है वो आपका कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें जैसे ही हमने पानी डाला, H2O डाला, अब क्या हुआ, पानी का H प्लस आयन, और एक मिनट में आपको समझा, सो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो क्या है आपके HCl का। तो HCl प्लस H2O क्या करता है, आयनाइज होके क्या बनता है, H3O+, यानी कि क्या, हाइड्रोनियम आयन हो गया, और यहाँ पे Cl- यानी क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, जो आपका क्या करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह कंडक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है, वो है कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में देखा था जहाँ पे हमने आयनिक बाउंड को डिस्कस किया था, तो क्या हो सकता है, बेंजीन हो सकता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 हो सकता है, ठीक है। आखिरी लास्ट के दो पॉइंट उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या, दे डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस। क्या हो गया बच्चों, वो आयंस में डिसोशिएट नहीं होते, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, डिसोशिएट नहीं करते हैं अपने आयंस में। डिसोशिएट का मतलब होता है कंप्लीटली टूट जाना, तो यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स है वो कंप्लीटली टूटते नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिसोशिएशन नहीं होता। दे अंडरगो स्लो स्पीड ऑफ रिएक्शन, सो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे आपकी किसके, कोवेलेंट कंपाउंड को। तो आप इसका क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है आपका यहाँ पे कोवेलेंसी। सो कोवेलेंसी क्या होता है, वैलेंसी क्या, हमने देखा था, वैलेंसी इज नथिंग बट योर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम इन द सिमिलर वे। कोवेलेंसी यहाँ पे क्या है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ठीक है, याद रखना यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, कोवेलेंसी हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो यहाँ पे इसकी कोवेलेंसी 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन की 2 हो जाएगी, नाइट्रोजन की 3, और ऐसे ही कार्बन की क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, वहाँ पे हम क्लासिफिकेशन जो हमने यहाँ पे देखा है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर, सो डू लाइक आवर चैनल, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट नाउ।